लोग पहुंच गए हैं गैल्ट टाउन में, एक बहुत छोटा और प्यारा सा टाउन है। हम लोग यहाँ पे हैं अभी, डाउनटाउन जो इसका है उससे 2 किलोमीटर दूर है। इसका एक अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट शहर है कनाडा की हिस्ट्री का, ये तो गैल्ट नाम शहर का। और अभी हम लोग चल पड़े जहाँ हमने जाना है, डाउनटाउन की तरफ। देखते हैं डाउनटाउन में यहाँ पे क्या क्या है, और इसी वीडियो में आपको लोगों को दिखाऊंगा मैं। एंड उसके बाद अगर और क्या क्या है क्या क्या नहीं है इस शहर में, सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा मैं। सो ये भी हमारी राइट साइड में आ गया है, गैल्ट कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना यहाँ का हाई स्कूल है। ये बना था 1852 में, कनाडा बना एज अ टुगेदर इन 1867, और ये 1852 कह रहे हैं, पुराना और अच्छा रेप्यूटेड हाई स्कूल है। सो कहते हैं ऑलवेज रेडी। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अब हम पहुंच गए हैं गैल्ट के मेजर इंटरसेक्शन में, डाउनटाउन के वाटर एंड मेन स्ट्रीट। सो मैं पार्किंग ढूंढ के लगाता हूँ, इतने में ये सामने मुझे क्रिसमस लाइट्स दिख रही हैं जो कि ऑन है, चमक रही हैं, लेकिन दिख नहीं रही बिकॉज अंधेरा नहीं हुआ अभी इतना। सो मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ एंड उसके बाद पैदल देखते हैं क्या क्या दिखता है। पार्किंग मुझे लग रहा है अब मिल जाएगी। यस आई कैन सी अ पार्किंग नाउ, कि मुझे पार्किंग मिलेगी। उससे पहले शायद मुझे ये रेड लाइट पे खड़ा होना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ब्रिज है इसके दोनों साइड पे यूनिक से कर्व्स बने हुए हैं, और उसके उस साइड जो एक एंग्लिकन चर्च है वो दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको उतर के दोबारा दिखाऊंगा। जब तक मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ मैं आपको इस शहर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये शहर ना इनिशियली फॉर्म हुआ था 1816 में, और उसके बाद इसको जब पहली बार एक शहर का एक टाउन का दर्जा दिया था, दैट वाज इन 1857। और रिसेंटली 3 छोटे छोटे शहर इस शहर को, गैल्ट को, एक और हेस्पलर शहर है और एक प्रेस्टन शहर को, इन तीनों शहर को मिला के ना एक नया शहर बना दिया था, दैट वाज कैम्ब्रिज। लेकिन अभी भी जो लोकल्स हैं ना वो गैल्ट को गैल्ट ही बोलते हैं, हेस्पलर को हेस्पलर बोलते हैं, और जो कि प्रेस्टन है उसे प्रेस्टन ही बोलते हैं। सो गैल्ट की जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी है वो अभी भी मेंटेन्ड है, एंड गैल्ट इज़ नोन एज गैल्ट, एंड इसकी यूनिक आइडेंटिटी इज फ्रॉम इट्स अपना यूरोपियन आर्किटेक्चर से है। एंड सो दिस इज द ट्रिनिटी एंग्लिकन चर्च, जो कि 1844 में बना था। एंड ट्रिनिटी इसलिए बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 3 सिटीज थी यहाँ पे, हेस्पलर, प्रेस्टन एंड गैल्ट, उनके लिए ये चर्च बनाया गया था। एंड दिस इज़ द ब्रिज जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ओल्ड मेन सिटी मेन स्ट्रीट वाटर ब्रिज, एंड बना हुआ है ये ग्रैंड रिवर पे। उस जमाने में जब ये बना था ये ब्रिज, तब इसकी कॉस्ट थी $52,000, यानी कि आज की डेट में आप लगा लीजिए करीब करीब 25 लाख रुपये। 1931 में बना था, और कॉन्क्रीट बोस्ट्रिंग कहते हैं इसे, इसका डिज़ाइन का नाम है। सो दिस इज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन फॉर यू। मैं अभी खड़ा हूँ मेन स्ट्रीट ब्रिज पे गैल्ट सिटी के टाउन के। तो ये जो टाउन है ये अर्ली 1800 में बनना शुरू हुआ था, 1820 से लेके 1844 से तक इसका ये बनना शुरू हो चुका था। ये जो टाउन है ये बेसिकली जाना जाता है अपने यूरोपियन आर्किटेक्चर के लिए। आप लोग ये देखेंगे बेसिकली यहाँ पे जो मेन 3-4 अट्रैक्शंस हैं उसमें से एक आती है लाइब्रेरी, और उसके साइड में है पोस्ट ऑफिस। ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी अब तो बहुत बार मॉडिफाई हो चुकी है, रिकन्स्ट्रक्ट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम ये लाइब्रेरी जो बनी थी वो
1884 में बनी थी और उसके बाद अब जो बनी है रिसेंटली वो 1993 में बनी है, 1893 उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। एंड अब उसके बाद रिसेंटली ग्लास का स्ट्रक्चर बना है जो कि रिवर के ऊपर तक एक्सटेंड हो रहा है और लोग बैठे भी हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जो पोस्ट ऑफिस है वो उसके साइड में है, हालांकि पोस्ट ऑफिस की एंट्रेंस इस साइड से जो दूसरी साइड से पीछे से आती है। एंड उसका जो फ्रंट स्ट्रक्चर है वो कई बार इन लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट कर करके इतना बहुत ही मॉडर्नाइज कर दिया है। एंड ये जो ब्रिज है जिस पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, इसका नाम है मेन स्ट्रीट ब्रिज एंड ये ग्रैंड रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर सा कर्वेचर है इसका एंड ये भी यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है। एंड मेरे सामने है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एंग्लिकन ट्राइसिटी चर्च है, ये भी बहुत पुराना बना हुआ है। जो ये सिटी है ये अपने आप में एक किसी मिस्टर ग्रैंड के नाम पे बनी थी 1844 में। ही वाज इन बेसिकली किसान थे वो यहाँ के, इन्होंने कुछ 40,000 एकर्स में कुछ ज़मीन खरीदी थी। वो ज़मीन खरीदने की वजह से जो गवर्नमेंट यहाँ के जो गवर्नर थे उस टाइम के या जो भी ब्रिटिश एम्पायर के जो सरकारी वो थे मुलाजिम थे, उन्होंने उनके नाम पे इसलिए शहर का नाम रख दिया था उनको रिस्पेक्ट देते हुए। एंड आज भी शहर का नाम वही है गैल्ट, तो लेकिन कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको यूरोपियन आर्किटेक्चर की तरह प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पे जो इसके पीछे आप देख रहे होंगे एक टॉवर क्लॉक है और इसके पीछे एक नेटिंग कंपनी वगैरह भी है और दो तीन चीज़ें और स्ट्रक्चर है इस साइड भी हैं, वो मैंने एक दो वीडियोज़ और ली हैं उसमें कवर की हुई हैं मैंने, अब करूँगा दिखाऊँगा आपको उसके साथ। ग्रैंड रिवर नीचे से एकदम पास से मैं ग्रैंड रिवर के उसका क्लोज व्यू ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे लोग वॉक करना अलाउड है, इसके एकदम साइड में ना वॉकवेज बने हुए हैं। एंड ये सामने अगेन लाइब्रेरी आ गई जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है, रिसेंटली डेवलप हुई है इसका ग्लास फ्रेम के साथ। है बाकी का सेंटर ऑफ द सिटी डाउनटाउन एरिया गैल्ट का, जो कि बाकी भी यूरोपियन स्टाइल से ही क्रिएट किया हुआ है। एंड देखिए आप मेरे साथ साथ पीछे है सिटी सेंटर टाइप बनाया हुआ है, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, ठंड की वजह से लोग कम है और ऑफ कोर्स पेंडेमिक भी है उसकी वजह से भी लोग कम है, तो यहाँ पर ये भी है। एंड आप ये देखिए मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर ये बहुत है यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ, सुंदर बनाया हुआ है, इसलिए इसे शायद हिस्टोरिकल वो दे रहे हैं इम्पोर्टेंस। गैल्ट टाउन से ही ना एक ग्रैंड रिवर रेलवे सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1894 में, जो कि पहले तो कैबिन सिस्टम स्टार्ट हुआ था जो कि ट्रैम की तरह होता है, और फिर उसे मॉडिफाई करते करते हर सिस्टम की तरह स्टार्ट हुआ और उसके बाद में उसमें कार्गो सिस्टम स्टार्ट हो गया जिसमें सामान जाना शुरू हो गया, जैसे कि एक ट्रेन आपके सामने चल रही है। तो लेकिन उसमें इतना एनहेंस किया कि आफ्टर सम टाइम उसमें सिर्फ और सिर्फ सामान ही जाने लग पड़ा। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स आफ्टर सालों बाद, जैसे कि मतलब 1955 टू बी एग्जैक्टली, पैसेंजर्स का जाना बंद ही हो गया एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्गो ट्रेन बन के रहेगी जैसे कि आपके सामने जा रही है। और आज भी ये सिर्फ एक कार्गो ट्रेन ही चलती है, जैसे कि मेरे राइट साइड में कार्गो ट्रेन चल रही है और मेरे लेफ्ट साइड में कार्गो ट्रेन खड़ी हुई है, इट्स अ स्टैंडर्ड ट्रेन। तो मैंने सोचा कि दोनों तरफ मेरे खड़ी है तो मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन व्यू। अब गैल्ट शहर में मेरी नेक्स्ट मंजिल थी वीकेंड्स फार्मर्स मार्केट,
जो कि यहाँ पे चलती आ रही है 1830 से। तो मैं चल तो दिया, लेकिन थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि जब से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट, यानी कि मार्च से, उसके बाद से यहाँ पे ये दोबारा लगी ही नहीं है, इसे परमिशन नहीं मिली। परमिशन मिलने के बाद लोगों ने इसे लगाया ही नहीं बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस। तो फिर ये मैंने प्लान मुझे करना पड़ा कैंसिल, बिकॉज ये इसको लगती ही नहीं है। बट फॉर माई इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता देना चाहता था मैं कि यहाँ का एक और आइकॉनिक चीज़ जो देखने लायक है वो है वीकेंड्स फार्मर मार्केट, जो कि 1830 से लगती आ रही है। तो इसका ये थी जो चीज़ कवर करनी, वो था यहाँ का ब्लैक बैजर पब, जो कि थी रॉयल फैमिली के थर्सडे क्लब्स की तरह। अगेन ड्यू टू कोविड ये सारे बंद थे, इनमें डाइनिंग इन बंद थी, तो अंदर जाना बिल्कुल ही बंद था। अब चलने का वक्त हो गया, अंधेरा भी हो चुका है। अब आप लोगों को मुझे कहना होगा बाय बाय। आप लोगों के समय के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और आप सबसे मैं बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई लोकेशन में, एक एक्साइटिंग वीडियो में, बहुत सारे व्यूज अब्सॉर्ब करने के लिए। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो। और अगर आप लोगों का कोई भी फीडबैक हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।